आर यू स्टिल मेंबर ऑफ द पीटीआई? पीटीआई की तो मैं मेंबर नहीं हूँ. आपको पता है कि 2017 में मैंने पीटीआई को छोड़ दिया था. मुझे पीटीआई में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई फर्क नजर नहीं आया. सरमायादाराना सिस्टम भी मैंने वहीं पर देखा, जागीरदाराना वडेराना सिस्टम भी मैंने वहीं पर देखा, और ख्वातीन की रिस्पेक्ट भी वहाँ पर नहीं है. तो ये तहरीक इंसाफ में आप किन लोगों को कहेंगे कि जो के राइट एडवाइस नहीं देते प्राइम मिनिस्टर को? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर खुद करप्ट हैं, इमरान अहमद नियाजी खुद करप्ट हैं. Assalamu alaikum and welcome to PJME's official YouTube channel. Politics, sports, इस पर हम बात कर रहे हैं. काफ़ी revelations आ रही हैं और आज मेरे साथ एक political worker हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आयशा गुललाई. इनकी बड़ी हमने controversy पहले सुनी. I wasn't in the country then, but आज मेरे साथ हाँ यहाँ हैं और इनसे बातचीत होगी. एंड ऑफ कोर्स फाइंड आउट के व्हाट इज़ हर पॉलिटिकल फ्यूचर. ऑफ कोर्स इज शी स्टिल मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एट द एंड ऑफ द डे इज देयर एनी चांस ऑफ रिकंसिलिएशन? अब बड़ी तनकीद आ रही है काफ़ी इमरान के कई आपके लोग क्लोज कॉन्फिडेंस पे कि जी वो शायद इमरान को सही एडवाइस नहीं देते. अब कौन है नहीं देते, क्या है नहीं देते, आई एम श्योर इमरान को तो पता होगा. बट आयशा से आज पूछते हैं. आयशा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आर यू स्टिल मेंबर ऑफ द पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मेरा व्यू पॉइंट आप ले रहे हैं. पीटीआई की तो मैं मेंबर नहीं हूँ. आपको पता है कि 2017 में मैंने पीटीआई को छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ये समझती थी कि क्योंकि इमरान अहमद नियाजी को मेरी जो जनरेशन है, हम लोग तो उनको नहीं जानते थे एज क्रिकेट स्टार या जो उनके बारे में दुनिया जानती थी. तो हमें भी जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान नस्ल है, उनकी तरह तब्दीली के नारे पर हमने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया. नौजवानों के लिए लीडरशिप के मौके होंगे और एक इंसाफ का माशरा होगा, करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, मेरिट का सिस्टम होगा, ख्वातीन की रिस्पेक्ट होगी. लेकिन मुझे पीटीआई में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, और यही वजह है कि मैंने पीटीआई को छोड़ दिया 2017 में. और मैंने किसी और पार्टी को भी उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, ना मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, ना मैंने नून लीग को ज्वाइन किया. क्योंकि अभी आप देखें कि खातून सिंथिया ने जो एलिगेशन लगाए हैं, आप यही कल्चर आप पूरे पाकिस्तान के हर सियासी पार्टी में ये देखेंगे. ये कल्चर पाकिस्तान में, हम एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, और यहाँ पर जो कायदे आज़म का विजन है वो ये है कि ख्वातीन को भी इक्वल पार्टिसिपेशन करनी चाहिए. अगर हमने एक पाकिस्तान को हम प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हैं, प्रॉस्परस पाकिस्तान देखना चाहते हैं, लेकिन वो ख्वातीन जो हैं उनको उनके घरों से इजाज़त नहीं मिलती है. अब आप हमारे वज़ीरिस्तान के इलाकों में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, इंटीरियर ये जो सदर्न पंजाब है उसमें आप देखें, ख्वातीन आपको बाज़ारों में भी आपको नज़र नहीं आएंगी वो ख़रीदारी करती हुए, क्योंकि एक कंजर्वेटिव माहौल है. अब इसमें अगर आपकी ख्वातीन पॉलिटिक्स में जाती हैं, जो कि जाना चाहिए, क्योंकि ख्वातीन अपनी कम्युनिटी के मसाइल को उठाएंगी, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं एज अ होल, उस पर जितना मर्द हजरात बोलते हैं उतना ख्वातीन हजरात को भी जो है वो अपनी आवाज़ उठाने का हक है, क्योंकि महंगाई से वो भी परेशान हैं, गुर्बत से वो भी परेशान हैं, चाइल्ड लेबर से वो भी परेशान हैं. तो ये जो तमाम तर मसाइल हैं, लेकिन इसमें अगर ख्वातीन के लिए ये सारे माहौल होंगे, करप्शन भी मैंने पीटीआई में देखी जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है, सरमायादाराना सिस्टम भी मैंने वहीं पर देखा, जागीरदाराना वडेराना सिस्टम भी मैंने वहीं पर देखा, और ख्वातीन की रिस्पेक्ट भी वहाँ पर नहीं है. यही वजह है कि मैंने अपनी पोलिटिकल पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई के नाम से. इंशाल्लाह ये पार्टी हकीकी तौर पर पाकिस्तान के मिडिल क्लास और गरीब तबके की हकीकी आवाज़ बनकर सामने आई है, मैदान में है, और इंशाल्लाह इन तीनों बड़ी पार्टियों को चैलेंज है कि अब पाकिस्तानी कौम अपने लिए खुद जंग लड़ने के लिए मैदान में आ चुकी है, जहां पर ख्वातीन की भी रिस्पेक्ट. अच्छा अच्छा, आई वाजंट हियर. ये सारी कंट्रोवर्सी हुई, मैं तो लंदन में था. तो जब मैं वापस आया तो ऑब्वियसली यू नो आई वांटेड टू गेट इनटू इट कि व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज आप तो एक बड़ी एक डाई हार्ड सपोर्टर
पीटीआई की रही हैं, और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम वुमेन्स इमेंसिपेशन, वुमेन्स को आपने आगे लेके आया। तो अब आप ये मुझे बताएं, ओवरऑल डू यू रियली थिंक कि जो ख्वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ आके और यू नो कुछ आप कह लो कि कुछ काम करें सोसाइटी में? देखिए, मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड ये है कि कबायली इलाकों में सब लोग मुझे मीरानशाह में अभी भी लोग जानते हैं। मैं वो 5-6 साल की बच्ची हूँ जो मीरानशाह में कबायली जिरगों में जब एल्डर्स बैठते थे तो मेरे वालिद साहब मुझे लेकर जाते थे, वहाँ पर मैं तकरीर करती थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो सब लोग मुझे जानते हैं बचपन से मेरी स्ट्रगल। ये सलीम साफ़ी साहब हैं, ये जो ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जितने भी मेम्बर्स हैं वो सब मेरी स्ट्रगल को जानते हैं। मैं कोई पीटीआई से मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया, मैं ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की पहली खातून प्रेसिडेंट थी जिस जो चाहती थी कि खवातीन अपने मसाइल जर्नलिज्म के जरिए सामने लेकर आएं। फिर यूथ कन्वेंशन एक हुआ था 2005 में, उसमें शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे एक बेस्ट पार्टिसिपेंट का उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया था क्योंकि मैं उसमें बहुत मैंने एक आउटस्पोकन तरीके से मैंने अपने कबायली इलाकों के मसाइल को बयान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि मैं मुझे अल्लाह ताला के सिवा किसी से डरना सिखाया नहीं गया। और हमारे माशरे में आपको पता है कि यहाँ पर मेरे अपने गाँव में कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहाँ पर एक मैसेजेस का एक वाकया हुआ था, उस पर जो है वो 3 लोग उसमें मार दिए गए थे। तो हमारे इलाकों में ये मसाइल मुझे नहीं पता कि किसके लिए कौन सा मसला कितनी अहमियत रखता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल और हमारे इलाकों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और ख़वातीन अगर कॉलेजेस स्कूल्स जाती हैं, बीच में जो है वो कोई जो है हमारे कोई ऐसा तंग करने वाले लड़के होते हैं तो आखिरकार ख़वातीन की तालीम जो है वो ख़त्म करवा दी जाती है। ये हमारा एक मुआशरा है, माइंड सेट है, तो इस माइंड सेट को हमने चेंज करना है। हमने ख़वातीन की रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेशन को हमने जो है वो इंश्योर करना है। और मुझे जो है वो मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो ख़वातीन हैं वो अल्लाह ताला की इबादत करें, वो शख्सियत परस्ती ना करें, वो किसी इमरान जरदारी और नवाज की शख्सियत परस्ती वो ना करें, क्योंकि ये शिर्क है। शिर्क हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता। अगर कोई वो गलत काम करते हैं तो उसको आप गलत कहें, अगर वो सही काम करते हैं तो उसको फिर अप्रिशिएट करें। अच्छा, ये क्या वजह है? ये आपने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि हम सिर्फ वो जो टॉप आइकॉन्स हैं हम उन्हीं का नाम लेते हैं लेकिन अपनी कारकर्दगी का नहीं करते। वो कहते हैं जी मेरा इसका विजन है, उसका विजन है, बट व्हाट अबाउट योर ओन विजन? ये मैं नहीं देखता हूँ। ये क्या वजह क्या है? इज इट बिकॉज के लोग चाहते हैं कोई भी पार्टी हो कि उनको कोई पार्टी का ओहदा मिल जाए, ये यही वजह है क्या? आप मेरे विजन के बारे में पूछ रहे हैं? मैं जनरली ऑल अराउंड देखिए, विजन तो उनका एक शुरू में एक बड़ा एक अट्रैक्टिव स्लोगन था कि इंसाफ लेकर आएंगे। जरदारी और नवाज शरीफ, हमें पता था कि जरदारी वडेरा सिस्टम के एक नुमाइंदा हैं, और बेनज़ीर भुट्टो ने एक स्ट्रगल की पूरी ज़िंदगी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी स्ट्रगल की, हम उनको मानते हैं कि वो लीडर्स थे। लेकिन जरदारी और अब तो जरदारी ख़ानदान है, बिलावल जरदारी भी जरदारी ख़ानदान के चश्म चराग हैं, वो वडेरा सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपको पता है कि सिंध में ये जो उमर रुबाब का किस्सा हुआ तो उनके जो ख़ानदान के लोगों को मारा गया तो ये पीपल्स पार्टी के MPs थे जो कि वडेरा हैं, और वो बाकायदा जो है वो जरदारी ख़ानदान, बिलावल जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नेशनल असम्बली में, वो उनके MPs की गोश्त पनाही कर रहे हैं। मेरे पास और बहुत सारे सिंध के ख़ानदान आए जिनको बकरी के उनके खेत में जाने पर जो है वो वडेरों ने मार दिया, और वो वडेरे बाकायदा जो है वो जरदारी ख़ानदान और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की पुश्तपनाही में हैं। वहाँ पर जो है वो आपको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। तो विजन जो है वो ये सारी चीज़ें, हमें तो पता था कि ये सारी चीज़ें हैं। नवाज शरीफ का भी सरमायादाराना निज़ाम से एक ताल्लुक है, तो हम एक अट्रैक्टिव स्लोगन के पीछे गए थे कि चलें अब निज़ाम चेंज होगा, पाकिस्तान का सिस्टम बदलेगा, नौजवानों को मौके मिलेंगे, मिडिल क्लास और गरीब तबका सामने आएगा, हमारे मजदूरों को हकूक मिलेंगे, हमारे किसानों को हकूक मिलेंगे, हमारे तालीम से जो है वो नकल और रट्टे वाला तालीमी निज़ाम ख़त्म होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट पाकिस्तान में होगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है विजन तो ज़बानी जमा खर्च था, लेकिन अभी आपको पता है कि आपको कोई होमवर्क नज़र नहीं आ रहा है इस गवर्नमेंट का।
इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बगैर प्लानिंग के ये हुकूमत चल रही है 2 साल से, 5 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बगैर प्लानिंग के चलती रही। जिस तरह के नवाज शरीफ ने इस मुल्क को चलाया, जिस तरह जरदारी ने चलाया, वैसे ही ये हुकूमत जो है, बल्कि ये तो उनसे भी बदतर है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल इमरान तो चलो आपके वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर हैं पार्टी के इसके, लेकिन आप क्या कहेंगे कि इनके इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, मेरी अपनी, हाँ जी आपकी अपनी है, उनकी अपनी है, लेकिन ये बताइए कि जो ये तहरीक इंसाफ में आप किन लोगों को कहेंगे कि जो कि राइट एडवाइस नहीं देते प्राइम मिनिस्टर को? तो नहीं, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर खुद करप्ट हैं, इमरान अहमद नियाजी खुद करप्ट हैं। वो कैसे? आपको पता है कि नवाज शरीफ कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। जरदारी कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कितने भी जो पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं या नवाज लीग के लीडर्स हैं, मरियम नवाज को देख लें, इनके सारी जायदादें इनके नाम पर नहीं होती हैं। ये सारे माशाल्लाह टॉप लीडर्स आपके गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि गरीबों को इनके ऊपर रहम आ जाता है कि इनको हम कुछ इमदाद दे दें, चंदा दे दें, इनको डोनेशन दे दें, लेकिन इनकी सारी जायदादें, इनके सारे जो बैंक बैलेंस है, वो इनके किसी के बहन के नाम पर है, किसी के भाई के नाम पर है, किसी के बेटे के नाम पर है, किसी के ड्राइवर के नाम पर है, किसी के माली के नाम पर है। तो इमरान अहमद नियाजी का जो अगर मालूम करना है तो उनकी बहन के असासे आप देख लें, 60 अरब रुपए न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में जायदादें, ये कहाँ से आई हैं, इसकी भी नैब को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उसी तरीके से जिस तरह नवाज शरीफ की करनी चाहिए। नवाज शरीफ आजकल जो है वो जलावतनी, खुद साख्ता जलावतनी में मुबतला हैं, नैब को चकमा देकर वो यहाँ से चले गए हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा, हम इनके साथ बात करने को भी तैयार हैं, ये सब अपनी अपनी जायदादें, अभी चीनी और आटा स्कैंडल में जो पैसा खाया गया, गरीब आवाम की जेब पर डाका डाला गया, मखदूम खुसरो बख्तियार अभी तक मिनिस्टर है, उसको अरेस्ट करना तो दूर की बात है, वो अभी भी मिनिस्टर है। जहांगीर तरीन को किसने गिरफ्तार किया है? उसको किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया। आपका जो पेट्रोल है, पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है वो यानी आपके मुल्क में इस वक्त 35 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 35 रुपए फी लीटर होना चाहिए था। आपकी गवर्नमेंट जो है वो गरीबों को इस मौके पर भी, कोरोना वायरस की वबा में भी नहीं छोड़ रही, और यहाँ पर 35 रुपए फी लीटर की बजाय अब वो 75 रुपए फी लीटर जो है वो आवाम को बेच रही है, और पेट्रोल आपको मिल भी नहीं रहा। आप देखेंगे पेट्रोल जो है वो ब्लैक में कितने में फरोख्त हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है इमरान अहमद नियाजी की, ईमानदार गवर्नमेंट, इमरान अहमद नियाजी ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, ये जो है ये चीनी चोर, आटा चोर, मास्क चोर, अद्वियात चोर और पेट्रोल चोर, ये जो है ये उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। बाकायदा BRT के स्कैंडल में मुलविस जो लोग हैं, बिलियन ट्री सुनामी में मुलविस लोग, ये बाकायदा उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको मिनिस्ट्रियल पोजिशन पे ला रहे हैं। अभी आप देखें कि स्टील मिल्स के जो मजदूर हैं, 10,000 से ज्यादा मजदूरों को इन्होंने फारिग कर दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछती हूँ कि वो तो आपसे 1,000 गुना अच्छे हैं, वो काम तो करते हैं, वो तो मजदूर हैं, आप लोग तो ना वजीर आजम काम करता है, ना आपकी 50 रुकनी काबीना जो कि आईन से तजावुज कर गई है आपकी कैबिनेट, ना अहल करप्ट गुजरा ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तनख्वाहें भी करोड़ों की, अरबों की महाना आप मरात ले रहे हैं। तो आपको अपनी तनख्वाह, आप तो सारे अरबपति हैं, आपको चाहिए था कि उन मजदूरों को आप अपनी तनख्वाह में से देते। तो मजदूरों का मुआशी कतलेआम इस मुल्क में हो रहा है इस वक्त, मजदूरों के नाम पर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, मजदूरों के नाम पर नून लीग हुकूमत में आई, मजदूरों के वोट से PTI इक्तदार में आई, लेकिन मजदूरों का मुआशी कतलेआम इस कोरोना वायरस की वबा में भी इस वक्त हो रहा है। अच्छा आयशा, ये एक मैंने जहांगीर तरीन से भी इन सारों से पूछा है, वो तो कहते हैं जी आप खुल के हमारी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर कहीं है तो डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन एक तो उनकी ओपन है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा लोग कहते हैं कि आप बहुत करीब थी इमरान खान और उनकी जो कैबिनेट है, और वो कहते हैं कि आपने वो किया, वो कहते हैं ना नॉट यू टू ब्रूटस, क्या इज दैट करेक्ट? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती हूँ। मैं इमरान अहमद नियाजी जो है उनके करीबी लोगों में मैं नहीं थी। मैं उनके जो करीबी लोग हैं वो तो सारे अभी उनके साथी हैं, मिनिस्टर्स हैं। मैं हक को हक कहने वाली और गलत को मैं गलत कहने वाली एक खातून हूँ हमेशा से, एक लड़की हूँ मैं हमेशा से, और मैंने हमेशा जो है वो उनको, मैंने जो है पार्टी के अंदर भी हमेशा मैंने
जो भी गलत बात होती थी मैं उसके ऊपर आवाज उठाती थी। तो इस लिहाज से आप जब दरबारी होंगे खुशामदी होंगे तो उनके ज्यादा करीब होंगे। मैं दरबारी और खुशामदी नहीं थी। अब देखिए ना, मैं 2016 में आई थिंक मैंने एक वापडा के खिलाफ लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया था पेशावर में, तो उसकी कॉल मैंने दी थी। उस पर पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो थे वो मेरी कॉल पर आए थे और मैंने गांव-गांव जाकर लोगों को मैंने कहा था कि आपने अपने हक के लिए खुद लड़ना है। तो मैं वहां पर गई। अब पीटीआई के जो एमएनएज और बाकी मिनिस्टर्स हैं, इमरान अहमद नियाज़ी की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं थी। उन्होंने कभी भी मुझे इस बात पर अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया, आपने आवाम का जायज़ हक दिलवाने के लिए पुरमन एहतजाज किया। बल्कि उनके जो मिनिस्टर हैं वो बाकायदा उन्होंने धावा बोला हमारे एहतजाजी कैंप के ऊपर, वो चले गए वापडा ऑफिस में, उन्होंने तोड़फोड़ की और जो है वहाँ मीडिया ने भी उसको देखा। मैंने उनको कहा कि आप पुरमन रहें, हम किसी कौमी असासों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे, हम पुरमन तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहकर अपना हक लेंगे, तो लोड शेडिंग खत्म की जाए। तो इस उनका जो अमल है वो सब मीडिया ने देखा। तो पीटीआई में तो ये हालात थे कि आप आवाम, आप सिर्फ दरबारी बन जाएं, आप जो है मैं इमरान खान की खुशामदी करें तो तब जाकर जो है वो आपको जो है वो मेरिट सिस्टम वहां पर नहीं है, वहां पर इंसाफ नहीं है, उसकी कोई अहमियत। अच्छा, एक चीज जब मैं पॉलिटिक्स में देखता हूँ, ब्रिटेन में मैं देखता हूँ कि अगर कोई मिनिस्टर काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बोलता है कि आप इसने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहता है कि भाई मैंने इनको जिम्मेदारी दी है और ये जो जिम्मेदारी है उस पर उन्होंने अपना काम किया है। तो आई मीन ये कई दफ़ा होता है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने नाम के कई स्लोगन्स बना लेते हैं, हालांकि यू नो दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। तो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या यही वजह थी कि आपकी और गवर्नमेंट के जो पीटीआई है उस पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए? नहीं, मैं तो इनके देखिए पेशावर में, अब देखें कि जिस तरीके से उन्होंने बीआरटी बनाया ये भी मेरे सामने था कि अरबों रुपए का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मकरूज कर दिया। पहले इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स बनाए पूरे पेशावर में, फिर उसके बाद अचानक उनको ख्याल आया कि नवाज शरीफ ने तो बड़े पैसे कमा लिए, हम पीछे रह गए। तो उन्होंने तंग सड़कों के बीच में बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए, बड़े बड़े बीआरटी उन्होंने बना दी जो अभी तक बनी नहीं है। और मुझे मेरे ख्याल से दुनिया का 10वां युवा जो है ये अगर दुनिया देखना चाहे तो वो आ जाए पेशावर, अभी तक वो वैसी ही सूरत हाल है। ग्रीन बेल्ट्स पहले उनके ऊपर करोड़ों अरब रुपए खर्च किए गए आवाम का टैक्स का पैसा, फिर उन ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जो है वो उन्होंने बीआरटी खड़ी कर दी वो कर्जे लेकर, और उसमें जो है मैं तो कहती हूँ कि नवाज शरीफ अगर ठेकों में कमीशन में 100 रुपए लेता था तो ये 500 रुपए लेते हैं हर ठेके में। और यानी आपके पास इसका प्रूफ है? आपके पास परसेंटेज के 500% ये लोग करप्शन करते हैं। हमने वो करप्शन अपनी आंखों से देखी, हमने बिलियनरी सुनामी को देखा। अब खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि यहाँ पर सफेदे के दरख्त लगाए गए हैं, बिलियनरी सुनामी में आपको कोई दरख्त नजर नहीं आएंगे, इक्का दुक्का आपको सफेदे के दरख्त नजर आएंगे। सफेदे का दरख्त तो ये खुद हुकूमत सफेदे का दरख्त बन चुकी है। सफेदा तो वो डेंजरस दरख्त है जो आपके जमीन का वाटर टेबल जो है उसको खींच लेता है और उसको पी लेता है सारे पानी को, आपकी जमीन को बंजर कर देता है। इनकी ना कोई प्लानिंग है, ये इमरान अहमद नियाज़ी और उनकी जो गवर्नमेंट है या नवाज शरीफ है या जरदारी है, इन लोगों ने तो पाकिस्तान को इंग्लैंड से इथोपिया बना दिया। लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी मुझे इस बात पर अफसोस है कि मईशत का जिस तरह जनाजा निकाल दिया है पीटीआई हुकूमत ने, वो आज अफगान रुपए जो है वो पाकिस्तान के 2 या 3 रुपए के बराबर है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को ऑफर कर रहा है एहसास इमरजेंसी का, मैं तो प्राइम मिनिस्टर से कहती हूँ कि आप थोड़ा हमें खुदा रहा हम पाकिस्तानियों को मजीद शर्मिंदा मत करवाएं। क्या दुनिया के मुल्कों को नहीं पता कि आपने, क्या दुनिया को मुल्कों को नहीं पता कि आपने हर मुल्क से कर्जे लिए हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, आपने 12,000 अरब रुपए के कर्जे सिर्फ 2 साल के अरसे में लिए, अब यह 15 अरब डॉलर के मजीद कर्जे लेंगे। और जो यानी और एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम क्या है, आप मैं इनकी जगह होती तो मेरा एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम ऐसा ना होता। मैं एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम मुतारफ करवाती जिस तरह वेस्टर्न ममालिक मगरबी ममालिक में है कि वहां पर हर सिटीजन का डाटा, चाहे वो सिटीजन कोई इनकम उसके पास है या नहीं है,
हर सिटीजन गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, उसके खानदान के अफराद, वो गरीब है वो अमीर है, उसकी इनकम कितनी है, वो इसके एक्सपेंसेस कितने हैं। इस हिसाब से मेरे पास एक डाटा आता कि किसको गवर्नमेंट ने हेल्प करनी है और किसने हुकूमत ने टैक्स लेना है। यहाँ पर एहसास और अकाउंट और अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी की हेल्प करनी होती तो उसके अकाउंट में खुद ब खुद पैसे ट्रांसफर हो जाते, उनके अकाउंट सारे गवर्नमेंट के पास होते, जिस तरह मगरिब वन विंडो है। आप बात करिए वन विंडो इज डूइंग बिजनेस। इन्होंने यहाँ पर लाइनें लगाई है एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की, कोरोना के फैलाव में तो ये सबसे ज्यादा जो है वो कोरोना का फैलाव कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो है मसाजिद वगैरह को तो उस वक्त बंद कर दिया था, अभी आपने मदारस और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया है, यूनिवर्सिटियां भी बंद हैं, मदारस भी बंद हैं, लेकिन आपने पेट्रोल पंप्स पर माशाल्लाह जो जमे गफीर इकट्ठा किया हुआ है अवाम का, उससे तो कोरोना जो है वो मजीद फैलेगा पाकिस्तान में। WHO ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फेल्ड करार दिया है, पाकिस्तान एट मोस्ट रिस्क जो है उसको करार दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की फेल्ड पॉलिसीज की वजह से। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है इस प्रकार की फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान। तो मैं तो समझती हूँ कि वजीर आजम को चाहिए कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं बतौर PTI चेयरमैन, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हम सब, कोरोना एक नेशनल मसला है, कोरोना से हमारे लोगों की जान को खतरा है, हम कोई एतराज नहीं करेंगे आपकी पॉलिसी के ऊपर, अगर आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, एक मौसर पॉलिसी बनाएंगे। अगर आप डॉक्टर्स, अब देखे ना इस बजट में जो है वो डॉक्टर्स की तनख्वाह ही कम अज कम उसको आपको ज्यादा करना चाहिए था। आपको डॉक्टर्स, हमारे वजीर आजम और वज़ीर-ए-आला को चाहिए कि डॉक्टर्स इस वक्त जिहाद लड़ रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह आपकी कश्मीरी जो कश्मीरी मुजाहिदीन है वो अपनी फ्रीडम फाइट जिस तरीके से लड़ रहे हैं, या हमारे आर्मी के लोग जिस तरह आपके मशरकी और मगरबी सरहदात की हिफाजत कर रहे हैं, आपके डॉक्टर्स तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो है वो डॉक्टर्स के मरने के बाद उनको पैकेज दिया जाएगा, हमें डॉक्टर्स मरे हुए नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर्स हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, उनके लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए। ओके, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल क्वेश्चन के इन द इवेंट ऑफ अ रिकंसिलिएशन बिटवीन योर एक्स पार्टी एंड टुडे, क्या आप वो कर सकती हैं या करेंगी, या जो लोग कह रहे हैं कि शायद आप PMLN ज्वाइन कर लें? नहीं, मैंने तो PJ मीर साहब आपसे कहा कि मेरी अपनी सियासी जमात है, मैंने मेरी जो ट्रेनिंग है वो इस तरह नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो एक इंसान को एक खास मकसद के लिए कभी कभी कौमों की निजात के लिए पैदा फरमा देता है, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। हो सकता है कि वो इंसान मैं हूँ, मैंने ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे पाकिस्तानी अवाम की खिदमत इन्होंने नहीं की, इन्होंने कौम को मकरूज किया है, इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, ये पैसे अपने वापस ले आए, हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं। नैब इनके खिलाफ एक्शन ले। मेरा जो विजन है वो ये है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलालई का विजन वो ये है कि पाकिस्तान में ज़कात सिस्टम बेस्ड इस्लामी ज़कात सिस्टम, जो कि साहिब नसाब लोगों पर सिर्फ टैक्स नाफिज होता है, गरीब रेड़ी वालों से आप टैक्स नहीं लेते, यहाँ पर तो गवर्नमेंट हर गरीब से टैक्स लेती है, अमीरों के 208 रुपए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए माफ कर देती है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आएंगे हमारी पार्टी, जो कि इस्लामिक ज़कात सिस्टम पर बेस्ड होगा। हम सूद को इस मुल्क से ख़त्म करेंगे, हम इस मुल्क के किसानों को, अब देखें डीजल जो है वो इंडिया में सस्ता है क्योंकि डीजल से किसान का ट्रैक्टर चलता है, डीजल से आपकी ट्रांसपोर्टेशन, किसान जो है वो अपनी सब्जियों फ्रूट को मंडियों में लेकर जाता है। हमारे मुल्क में डीजल मजीद महंगा हो गया और पेट्रोल जो है वो आपका जो है वो 7 रुपए, बड़ा एहसान किया गवर्नमेंट ने, हालांकि इसको 35 रुपए फी लीटर। मैं होती इनकी जगह, मैं डीजल को सस्ता करती ताकि किसान इससे अपनी ज़रात को बूस्ट देता, ज़रात से पाकिस्तान की खुराक की कमी ना होती, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता। मैं इनकी जगह होती तो पाकिस्तान में जो किसान है उनको सोलर ट्यूबवेल्स मुफ्त में देती। मैं इनकी जगह होती तो रट्टे और नकल वाला तालीमी निज़ाम है। आप सिलेबस चेंज करना चाहती हैं, यू वांट टू चेंज द सिलेबस। आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। विजन है मेरे पास, होमवर्क है, मैं इनकी तरह बगैर प्लानिंग के जो है वो नहीं बैठी, ये तो सारे इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है इस मुल्क, एथोपिया बना दिया इन्होंने मुल्क को। वेल, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट, आपके अच्छे जो आइडियाज हैं, आई होप द गवर्नमेंट टेक्स नोटिस ऑफ दैट। But in the meantime, thank you very much for giving time and aapke jo vision hai, aapka jo khayalat hai, aap logon ke samne leke aaye, and you know it's great talking to you. Thank you very much. Ye thi Aisha Gulalai,
फॉर्मर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने अपना एक विंग बनाया है और जो इनका विजन है व्हाट शी वांट्स टू डू फॉर द ट्राइबल एरियाज एंड ऑफ कोर्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इनका एक तो बड़ा क्लियर है एक व्यू पॉइंट, ये जो चोरी के पैसे बाहर जो लेके गए हैं दे शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हूएवर, ये जो नैब लगी हुई है इसको पकड़ना है नो मैटर हु इट इज़। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उनकी पार्टी में हो या अपोजिशन में हो, जो चोर है उसको पकड़ो। Look after yourself. Please subscribe to the channel. Click on it. Yeah, just go onto the Google and say PJ Mir and you'll get the rest. Until the next time, Khuda Hafiz.